वहीं बढ़ते खबरों की ओर, जहां निम्स यूनिवर्सिटी के एक छात्र आश्विन ने हैदराबाद गैंगरेप मामले पर अपनी शायरी के माध्यम से पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। आइए आपको भी सुनाते हैं आश्विन की श्रद्धांजलि उसकी शायरी के माध्यम से। को लेकर कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे, तो वैसे ही हमारे साथ में निम्स के एक स्टूडेंट आश्विन मौजूद हैं, जो कि अपनी स्वरचित पंक्तियों द्वारा उस पीड़िता को, उस देश की बेटी को अपनी पंक्तियों के हिसाब से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हादसे से इस देश की हर माँ, हर एक बहन, हर एक भाई शर्मसार था, और आज सुबह जब ये खबर आई कि जो जालिम थे, जिनकी वजह से बहन प्रियंका को इस देश, इस दुनिया से रवानी लेनी पड़ी, तो उनको कत्ल कर दिया गया है, तो हर एक इस देश की हर माँ, हर बहन को आज उनकी आत्मा को शांति मिली है, तो उनकी मैं पूरी आवाम की तरफ से एक संदेश अपनी जुबान से देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि मार दिया है उनको, चलो इंसाफ हुआ, मार दिया है उनको, चलो इंसाफ हुआ, हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ, मार दिया है उनको, माँ की दुआओं से देखो ये जुर्म का कत्ले आम हुआ, माँ की दुआओं से देखो ये जुर्म का कत्ले आम हुआ, मार दिया था जिन बहनों को उनका ये इंसाफ हुआ, मार दिया था जिन बहनों को उनका ये इंसाफ हुआ, जिंदा जिस्म जला के लूट के इज्जत उनकी उन्हें फिर मार दिया है उनको, चलो इंसाफ हुआ, हिंदुस्तान में ऐसा, लूट के इज्जत उन बहनों की उनका घर बर्बाद किया, लूट के इज्जत उन बहनों की उनका घर बर्बाद किया, हिंदू मुस्लिम की जाति को इनने ही बदनाम किया, हिंदू मुस्लिम की जाति को इनने ही बदनाम किया, चार ही गोली चला के देश की माँ बहनों को ये इंसाफ दिया, मार दिया है उनको, चलो इंसाफ हुआ,